नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को, बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत की एक कंपनी स्वदेशी ड्रोन की आपूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ बातचीत कर रही है, जो कि कार्गो और कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। और इस ड्रोन का नाम आप सबको मालूम होगा, इसका नाम है वरुण। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इंसान को ले जाने वाले इस वरुण ड्रोन को दिखाया गया था और भारतीय नौसेना ने इन ड्रोन का ऑर्डर भी दिया है। दरअसल दोस्तों भारतीय नौसेना भी बड़े पैमाने पर रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का समर्थन और उसका प्रचार कर रही है और साथ ही साथ अपने उत्पादों को विकसित करने में निजी क्षेत्रों का भी समर्थन कर रही है। दोस्तों ये जो वरुण ड्रोन है उसे नए विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट किया जाएगा। इसकी रेंज करीबन 25 किलोमीटर है और ये 130 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और 30 मिनट तक हवा में रह सकता है। और यही नहीं, ये ड्रोन निर्माता कंपनी भारतीय सेना से भी बातचीत कर रही है इन ड्रोन को खरीदने के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ऑटो कंपोनेंट निर्माता लोकेश मशीन लिमिटेड और सीएनसी मशीन ने भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए एरोस्पेस और डिफेंस के कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए एक नया डिवीजन स्थापित किया है और इसके पहले फेज में यानी कि पहले चरण में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा ताकि हथियारों और उनके सामानों के निर्माण के लिए यहां पर ग्रीनफील्ड सुविधा तैयार की जा सके। लोकेश मशीन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि भविष्य में निर्यात शुरू होने पर इस निवेश को और बढ़ाया जाएगा। दोस्तों इस दौरान रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने इस नए डिवीजन का उद्घाटन किया और उन्होंने कंपनी की उपलब्धियों की सराहना भी की और कहा कि निर्यात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है और छोटे हथियारों के विकास के लिए वैश्विक पदचिन्ह स्थापित करना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना के चेतक कोर ने रेयर एरिया सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चेतक चौका अभ्यास किया है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना के चेतक कोर ने रेयर एरिया सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के साथ डेटाबेस की योजना, तैयारी, परिचय और अपडेट्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए चेतक चौका का आयोजन किया। और इससे पहले भारतीय सेना की डेजर्ट कोर ने सभी हथियारों का मुकाबला सिमुलेशन के तहत ऑपरेशनल मापदंडों को मान्य करने के लिए एक टैक्टिकल फ्लोटेशन भी किया। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों मुंबई तट पर दो दिन पहले हुई दुर्घटना के बाद रक्षा बलों ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक हेलीकॉप्टर दुर्घटना का सही कारण सामने नहीं आ जाता। ALH हेलीकॉप्टर भारतीय तटरक्षक बल के साथ सेना, नौसेना और वायुसेना के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। सेना के अधिकारियों ने कहा कि जब तक जांचकर्ताओं को मुंबई तट पर हुई हेलीकॉप्टर घटना का कारण पता नहीं चल जाता और एहतियाती जांच पूरी होने तक इनका परिचालन रोक दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है 10 रनवे इंडिपेंडेंट रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए, जो कि ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और रिमोट वीडियो टर्मिनल के साथ होने चाहिए, जो कि टारगेट की एक्यूरेट लोकेशन और उनकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें देने में सक्षम होने चाहिए। और यही नहीं, ये दुश्मन की जो गन्स है उनकी लोकेशन पता करने में सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा ये दुश्मनों की सेना की जो मूवमेंट्स हैं उनके वाहनों की जानकारी भी देने में सक्षम होने चाहिए। इतना ही नहीं, ये जो इंडिपेंडेंट रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो दुश्मनों की आर्टिलरी फायर की दिशा भी पता लगाने में सक्षम होने चाहिए। अगली अपडेट भी भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय सेना ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है 65 यानी कि 65 टेक्टिकल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद के लिए, जिसे कि इमरजेंसी खरीद के तहत खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि जो टेक्टिकली रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ कैटापल्ट लॉन्चिंग में भी सक्षम होने चाहिए और इनका इंड्यूरेंस टाइम 6 घंटे का होना चाहिए। साथ ही ये दिन और रात में टारगेट को ट्रैक, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई करने में सक्षम होने चाहिए। और यही नहीं, ये 13,000 फीट पर काम करने में भी सक्षम होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जल्द ही भारत के आर्म फोर्सेज के लिए 18 MQ-9B जो ड्रोन्स हैं उनकी डील साइन हो सकती है और कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना 2 मॉडलर प्यूनोमेटिक डिस्पेंसर पॉड्स भी लेगी, जिससे कि भारतीय नौसेना पानी के अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें डिटेक्ट कर सकेगी और साथ ही उनका एक्यूस्टिक जो डेटा है उसे भी अधिग्रहित कर सकती है और साथ ही साथ ये इंडियन ओशन रीजन में चीनी पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें मार भी गिरा सकते हैं। आपको बता दें कि जनरल एरोनॉटिक्स ने अपने 3 मॉडलर पॉड्स का भी ऑफर दिया है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को, जो कि लैंड अटैक वेरियंट होंगे और इनका इस्तेमाल LAC पर चीनी रुख का मुकाबला करने के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने रूस से 21 यानी कि 21 अतिरिक्त MiG-29 UPG फाइटर जेट्स की जो खरीद की योजना थी उसे रोक दिया है, जिसके कई कारण हैं। पहला कारण तो पेमेंट संबंधी मुद्दे हैं
क्योंकि रशिया पर इकोनॉमिक सेंक्शन लगे हुए हैं। और दूसरा यह है कि भारतीय वायुसेना अपने 65 यानी कि 65 MiG-29 फ्लीट को रिटायरमेंट करने का प्लान बना चुकी है, जिन्हें कि 2029 से चरणबद्ध तरीके से रिटायर किया जाएगा और 2035 तक इन्हें पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। दरअसल MiG-29 की जो 3 स्क्वाड्रन है उनकी जगह तेजस मार्क 2 लेगा और इसकी पहली फ्लाइट 2025 में की जाएगी और लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन 2019 से शुरू होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों DRDO अब पूरा जोर लगा रहा है अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में 100% यानी कि 100% स्वदेशी स्तर को ले जाने के लिए, क्योंकि दोस्तों एक छोटा जो कंपोनेंट्स है उसे अगर आयात किया जाता है तो भविष्य में ये बड़ी दिक्कतें पैदा भी कर सकता है। आपको बता दें कि 1500 किलोमीटर रेंज वाली LRLACM सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल, इसके जो प्रमुख सिस्टम है उन्हें भारत में ही बनाया गया है और कहा यह जा रहा है कि छोटे कंपोनेंट से भारत के अंदर भी एक इकोसिस्टम बन जाएगा और जब इसका बड़े स्तर पर उत्पादन होगा तो ये मिसाइलें सस्ती होंगी। कहा जा रहा है कि एक मिसाइल की कीमत करीबन 12 करोड़ रुपए होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है जिसके तहत ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से F-16 के जो विंग्स है उनका उत्पादन किया जाएगा टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद में। MOU के अनुसार 29 फाइटर विंग्स के शिपसेट्स तैयार किए जाएंगे जिसमें कि अतिरिक्त शिपसेट्स भी शामिल है। इनकी डिलीवरी 2025 से होगी। दोस्तों ये एक उपलब्धि हो सकती है लॉकहीड मार्टिन के F-21 के ऑफर के लिए जिसे उसने इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर में ऑफर किया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों आर्मेनिया ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है और ये ऑफर है भारत के मुंबई बंदरगाह को ईरान के रास्ते रूस तक जोड़ने का, जो कि एक ट्रेड कॉरिडोर होगा और इस ट्रेड कॉरिडोर में मुंबई का बंदरगाह ईरान के बंदराबाद से जुड़ेगा और फिर ये कॉरिडोर आर्मेनिया होते हुए यूरोप और रूस तक पहुंच जाएगा। दरअसल दोस्तों रशिया और ईरान भी एक कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं जिसका नाम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है और ये भी रशिया को मुंबई से जोड़ेगा। हालांकि ये कॉरिडोर अजरबैजान होकर गुजरता है और आपको मालूम है कि अजरबैजान भारत के खिलाफ रहता है तो ये अड़चन भी पैदा कर सकता है, लेकिन आर्मेनिया ने इसका हल निकाल ही लिया। आर्मेनिया ने कहा कि हम मुंबई को रशिया और यूरोप से जोड़ेंगे और बीच में अजरबैजान भी नहीं आएगा और ये कॉरिडोर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ साथ चलेगा। ये कॉरिडोर भारत को पर्शियन गल्फ के रास्ते ईरान पहुंचाएगा और ये ईरान से होते हुए आर्मेनिया पहुंचेगा और आर्मेनिया के बाद ये कॉरिडोर ब्लैक सी होते हुए भारत को यूरोप और रूस तक लेकर जाएगा, जिसके लिए भारत को अजरबैजान की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस नए रास्ते से भारत और रूस के बीच का जो व्यापार का समय है वो भी कम हो जाएगा। जहां 40 से 45 दिनों का वक्त लगता है वहां इस ट्रेड कॉरिडोर से 20 से 25 दिन का वक्त लगेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए 6 ड्रोनियर 228 विमानों की खरीद की जाएगी। भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जा रहे इन विमानों की लागत करीबन 667 करोड़ रुपए है। रक्षा मंत्रालय ने 10 मार्च को 667 करोड़ रुपए की लागत वाले इस सौदे को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता किया है और ये खरीद HAL से की जाएगी। दरअसल इस विमान का उपयोग भारतीय वायुसेना के द्वारा रूट ट्रांसपोर्ट और संचार संबंधित सैन्य कार्य के लिए किया जाता रहा है। इसके साथ ही इन विमानों का उपयोग भारतीय वायुसेना के परिवहन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाता है। बता दें कि इन विमानों को खास तरीके से अपग्रेड भी किया गया है जिससे कि जो एयरक्राफ्ट है वो शॉर्ट रेंज ऑपरेशन भी कर सकता है सेमी फिनिश्ड और शॉर्ट रनवे से, खासकर कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों दक्षिण कोरिया के KF-21 फाइटर प्रोटोटाइप ने अपनी रात की पहली उड़ान पूरी की है। दोस्तों आपको बता दें कि KF-21 के तीसरे और चौथे प्रोटोटाइप ने इस टेस्ट को आयोजित किया। कहा जा रहा है कि 2026 तक KF-21 मॉडल की कुल 2000 से अधिक परीक्षण उड़ाने की जानी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन ने रॉयल बहरीन वायुसेना के लिए बनाए जा रहे पहले F-16 ब्लॉक 70 लड़ाकू विमान को उतारा है। दोस्तों F-16 के ब्लॉक 70 का इस्तेमाल करने वाला बहरीन पहला देश होगा। बहरीन को 16 फाइटर जेट में से पहला F-16 ब्लॉक 70 मिला है जिसने की 24 जनवरी 2023 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत इस महीने एक नई पाइपलाइन के माध्यम से पड़ोसी देश बांग्लादेश को डीजल का निर्यात शुरू करेगा। इसके लिए बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना 18 मार्च को क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से पेट्रोलियम को लेकर चीन पर बांग्लादेश की निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि ये खबर काफी अच्छी है कि भारत हमें डीजल भेजेगा और पाइपलाइन पूरी हो चुकी है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक भारत 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से डीजल का निर्यात करेगा जिसे भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट से
लगभग 3.46 अरब रुपए की लागत से बनाया गया है। पाइपलाइन बांग्लादेश क्षेत्र के अंदर 125 किलोमीटर और भारत के अंदर 5 किलोमीटर तक फैली है। बांग्लादेश अब तक भारत से रेलगाड़ियों के जरिए डीजल का आयात करता था। दरअसल बांग्लादेश लगभग पूरी तरीके से डीजल, गैसोलीन, एविएशन फ्यूल, केरोसिन और अन्य पेट्रोलियम जैसे ईंधन के लिए आयात पर निर्भर है और वर्तमान में वो भारी मात्रा में पेट्रोलियम का आयात चीन से करता है, जबकि चीन कोई तेल उत्पादक देश नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में क्या गिर गई थी, उसके बाद से पाकिस्तान का जो रोना है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से दोहराया है कि इस मामले की साझा जांच के लिए भारत को भी सहयोग करना चाहिए। पाकिस्तानियों का मानना है कि मिसाइल ने न केवल भारत पाकिस्तान के एरोस्पेस में कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को खतरा पैदा किया था, बल्कि कई इंसानी जानों और जान माल को भी खतरे में डाल दिया था। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो उस समय सरकार ने और उनकी मिलिट्री ने साझेदारी दिखाते हुए इस मसले को ज़्यादा तूल नहीं दिया, और तूल देते भी दोस्तों कैसे जब कुछ पता ही नहीं चला इनको। वहीं पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है कि अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस पर प्रतिक्रिया देती तो फिर दोनों पड़ोसियों के बीच बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती थी। हालांकि भारत ने जांच को खारिज कर दिया था, इसीलिए पाकिस्तान इस बात को लेकर परेशान है। भारत ने इस घटना पर अफसोस जताया था और भारत ने यह भी कहा था कि रूटीन मेंटेनेंस के मौके पर हुई इस घटना पर उसे काफी अफसोस है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान पर अमेरिका का प्यार किसी से छिपा नहीं है। अब बाइडन ने तय कर दिया है कि इस मुल्क को आर्थिक बदहाली से वो बाहर निकालेंगे। कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बाइडन ने देश को मिलने वाली आर्थिक सहायता को दोगुना करने का प्रस्ताव रख दिया है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति साल 2024 के वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान को $82 मिलियन की आर्थिक मदद देना चाहते हैं। यह मदद पाकिस्तान को विनाशकारी बाढ़ से राहत, एनर्जी सप्लाई और आपातकालीन क्षमताओं की तैयारी के लिए दी जाएगी। और बाइडन के इस फैसले से कई लोग हैरान हैं। दरअसल पिछले साल ही बाइडन प्रशासन की तरफ से पाकिस्तान को कई मिलियन डॉलर की मिलिट्री मदद भी की गई थी और यह मदद उनके F-16 के अपग्रेडेशन के नाम पर दी गई थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाली यह मदद उनकी आर्थिक प्रगति को बढ़ाएगी, संगठन को मजबूत करेगी, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, ना जाने क्या क्या पाकिस्तान करेगा, जैसे कि पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा जागरूक देश है और अचानक से उसके यहाँ ये आर्थिक मंदी आ गई। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान की इंटेंशन को तो हम बाद में रखेंगे, लेकिन आप सबसे पहले अमेरिका की इंटेंशन देखिए, क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ना ही दोनों देशों के बीच में किसी भी तरीके का कोई युद्ध हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को मदद करना, अमेरिका को ये लगता है कि वो हथियार वगैरह खरीदेगा और फिर भारत और उनके बीच में लड़ाई होगी और इससे फ़ायदा अमेरिका को मिलेगा और भारत अमेरिका से अधिक हथियार खरीदेगा। आप समझ रहे दोस्तों, गेंद को कहाँ से कहाँ फेंकता है अमेरिका, यही अमेरिका की रणनीति रहती है। इसीलिए हम उनसे उनके F-18 को अपनी नौसेना के लिए नहीं ले रहे हैं और जो हम ड्रोन्स भी उनसे खरीद रहे हैं उनकी संख्या भी हमने कम कर दी है, और इसलिए भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान को पूरा आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया गया है। पिछले साल भी मदद की गई, इस साल के लिए भी एक बड़ी घोषणा बाइडन करने वाले हैं, तो सबको समझ में आता है कि क्या कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो ये थे फिलहाल के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न या भी आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।